अभी करीब 1.5 साल पहले तक मेरे गांव के बदरी चाचा की हालत बहुत खराब थी। एक कैटर्स के साथ कभी कभी काम पर जाते थे, एक दिन का 400 रुपए मिलता था, मगर साल भर में 100 दिन भी काम नहीं मिल पाता था। 4 लड़कियां और एक लड़का समेत 5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का तो छोड़िए, खाने तक के लाले पड़ जाते थे। सरकारी आवास मिल जाने से किसी तरह 2 कमरे का घर तो बन गया था, मगर उसका प्लास्टर और खिड़की दरवाजे तक नहीं लगा पाए थे। घर में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। पानी के लिए पास में ही गांव में लगे सरकारी हैंडपंप का यूज किया जाता था। इन 1.5 सालों में उनकी कोई लॉटरी नहीं लग गई, मगर हाँ, एक छोटे से एक्शन लेने और उनके विनम्र रवैये ने उनके घर का रहन सहन काफी हद तक बदल दिया है। आज घर में लगभग सभी तरह की सुविधाएं हो गई हैं। बच्चे पास के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे हैं, और सबसे अच्छी बात कि बदरी अंकल ने मोटरसाइकिल भी ले ली है और 46 की उम्र में पहली बार मोटरसाइकिल चलाना भी शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम जब मैं गांव में गया तो बदरी अंकल से मेरी काफी देर तक बात हुई। वो बहुत खुश भी थे और थोड़ा परेशान भी। खुश इसलिए कि कमाई अच्छी हो रही थी, 70-80 हजार या फिर कभी कभी महीने के 1 लाख से भी ज्यादा कमा लेते थे, और परेशान इसलिए रहते थे क्योंकि काम इतना अच्छा चल रहा था कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। अब इतनी ज्यादा कमाई सुनकर आपको ये जरूर लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या करते थे, उनके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं थे। तो मैं बता दूं कि मात्र 500 रुपए लगाकर ही उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था। वो कोई सब्जी या फास्ट फूड का ठेला नहीं लगाते थे, उन्होंने लीक से हटकर थोड़ा अलग काम किया था। आप चाहे शहर में रहते हो या फिर गांव में, बदरी अंकल की स्ट्रैटेजी से अगर आप अपनी एरिया में ये बिजनेस शुरू करेंगे तो सफलता 100% निश्चित है, क्योंकि इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मात्र 500 से 1000 रुपए लगाकर ही आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस बिजनेस में आपको कोई इंतजार नहीं करना है, आपकी कमाई पहले दिन से ही निश्चित है। एक चीज क्लियर कर दूं कि आप मेरी नहीं 100 लोगों की हजारों बिजनेस आइडिया वाली वीडियोस देखते रहें, लेकिन आप तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। बदरी अंकल को भी इस बात का बड़ा पछतावा था। मुझसे बात करने के दौरान वो रोने भी लगे। बोले कि मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, अगर मैंने और पहले ही ये काम शुरू किया होता तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती। जब मैंने उनसे परेशान रहने वाली बात पर कहा कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है तो आप काम को और क्यों नहीं बढ़ा लेते, और लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए, टीम बनाकर काम कीजिए, इस पर उन्होंने कहा कि बेटा ये सब मेरे बस की नहीं है, मैं तो इतने में ही परेशान हूँ, मैंने कभी इतना भी नहीं सोचा था, भगवान बस ऐसे ही देते रहें, बस मेरी जिंदगी सफल समझ लो। एक्चुअली वो ना के बराबर पढ़े लिखे हैं, किसी तरह बस अपना नाम लिख लेते हैं। इतने में ही वो बहुत खुश हैं और काम बढ़ाने का कभी सोचते भी नहीं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं और आपका काम ठीक ठाक चला तो आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि कैसे कुछ यंग लड़कों ने इस बिजनेस को शुरू करके पूरे देश में फैलाया और करोड़ों टर्नओवर वाली कंपनी खड़ी कर दी। अब जरा जान लेते हैं कि बदरी अंकल आखिर कौन सा बिजनेस करते हैं। देखिए, अपने देश के अप्रोक्स 140 करोड़ लोगों में से लगभग 80-90% लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। अब फास्ट फूड का नाम सुनकर ये मत सोचिएगा कि बदरी अंकल ने फास्ट फूड का ठेला लगाया होगा या कोई दुकान खोली होगी। मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फास्ट फूड कौन सा है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है और लगभग हर गली चौराहे पर मिलता ही है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब समोसा ही होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 90% जनता समोसा खाती है। इनमें से भी अगर डिफरेंशिएट करें तो खासकर बच्चे, लड़कियां और महिलाओं को ये कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। अगर वयस्क पुरुषों की बात करें तो ये रेगुलर बाहर जाते ही हैं। ऐसे में इनका जो मन करता है खाते पीते हैं, या फिर कुछ लोग सेहत को लेकर ज्यादा संजीदा हैं तो कंट्रोल भी करते हैं। मगर बच्चे, लड़कियां और महिलाएं अपेक्षाकृत बाहर कम या रेगुलर तो नहीं ही जाती, और खाने पीने के मामलों में इनसे कंट्रोल भी नहीं होता। बदरी अंकल को इन्हीं बातों का ज्यादा फायदा मिला। एक्चुअली वो पहले दिन मात्र 500 रुपए का सामान लाकर अपने घर से ही 100 समोसे बनाकर साइकिल से उसे बेचने निकले थे। करीब 60 समोसे तो उनके अपने गांव में ही तुरंत बिक गए।
इस तरह से घूम घूम कर समोसे बेचने का उनको एक फायदा ये भी मिला कि जब घर पर ऐसे कोई समोसा लेता था तो लगभग परिवार के हर सदस्य के लिए लेता ही था। ऐसे में 5-7 या 10-12 समोसे एक साथ बिकते थे। दूसरी चीज, घर पर रहकर ही गरम गरम समोसे मिल जाने से लोग चूकते नहीं थे और ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। और वैसे भी बदरी अंकल को कैटरिंग का अनुभव था और अच्छी क्वालिटी के सामान लगाकर उन्होंने समोसे में अच्छा टेस्ट भी जनरेट किया था। वैसे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस से कोई भी स्वादिष्ट समोसे बनाना सीख सकता है। बदरी अंकल के बचे हुए समोसे बगल के दूसरे गांव में पहुंचते ही फुर्र हो गए। पहले दिन के एक्सपीरियंस से उन्हें अच्छा भी लगा और वे इस तरह की सेलिंग का पोटेंशियल भी समझ गए थे। अगले दिन उन्होंने 500 समोसे का टारगेट रखा था, मगर खास बात यह थी कि वो इन्हें 100-100 करके 5 बार में लेकर निकलने वाले थे ताकि लोगों को बिल्कुल फ्रेश और गर्म गर्म समोसे मिल सकें। परिवार वालों के साथ मिलकर दोपहर तक उन्होंने पूरी तैयारी करके समोसे तैयार कर लिए थे और 100 समोसे तलकर बेचने निकल गए थे। ये 100 समोसे आज उनके गांव में ही बिक गए। बेचकर बदरी अंकल घर जाते तब तक आंटी जी समोसों को तलकर रखती थी। इसी तरह से शाम में अंधेरा होने से पहले तक 500 समोसे पास के और 3 गांवों को मिलाकर बिक चुके थे। ऑब्वियसली ये सिलसिला अब कहां रुकने वाला था। बदरी अंकल रोज इसी तरह से समोसे बेचने लगे थे। उन्होंने अपने तरीके को थोड़ा अपग्रेड भी किया, जैसे साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गए तो थोड़ा और ज्यादा एरिया कवर कर पा रहे हैं। ज्यादा देर तक गर्म रखने वाले बर्तनों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक माइक भी बांध लिया है जिसमें कभी कभी बदरी के समोसे बोल भी दिया करते हैं। वैसे इसकी जरूरत अब उन्हें कम ही पड़ती है। लोग शाम के टाइम बदरी अंकल का खुद ही इंतजार करते रहते हैं। उनके समोसे काफी फेमस हो चुके हैं। आसपास की एरिया में बदरी के समोसे एक ब्रांड बन चुका है। मगर इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी बदरी अंकल आज भी मैक्सिमम 1000 समोसे ही बेच पाते हैं। उनके बताने के अकॉर्डिंग एक समोसे पर उन्हें 3-4 रुपयों का नेट प्रॉफिट होता है। मतलब आजकल बदरी अंकल 1 लाख रुपए के आसपास कमा लेते हैं। एक तो बदरी अंकल पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरी चीज बचपन से ही उन्होंने इतनी गरीबी देखी है कि इतने पैसे कमा लेने से वे बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं और काम बढ़ाने का सोचते भी नहीं। अदरवाइज समोसे में तो इतना पोटेंशियल है कि 2016 में बैंगलोर के एक यंग कपल ने समोसा सिंह नाम का स्टार्टअप शुरू किया और आज लगभग 50 करोड़ के टर्नओवर के साथ एक दिन में करीब 14 लाख रुपयों का समोसा बेचते हैं। ऐसे ही न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, जो शुरू करते हैं वही फेल भी होते हैं, वही सफल भी होते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग एग्जाम्पल्स भी सेट करते हैं। बाकी जो सोचते रहते हैं वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।